हे गाइस, कैसे हैं सब? ओके, आप सोच रहे हैं कि घर में बैठ के बोर हो रहे हैं, ब्यूटी पार्लर नहीं जा पा रहे हैं और मेरे सर में गंदी गंदी वाइट हेयर्स आ रही है। अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हो और घर में बैठ के विदाउट डूइंग हेयर कलर छोटी छोटी टुकड़े में जो वाइट वाइट हेयर आती है उसको किस तरह से ब्लैक कर सकते हैं, कोई पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लेना है छोटी सी टिप, मैं जैसे शमा अपना रेमेडीज इसका मायने रखती हूँ और मैं ये सोचती हूँ रेमेडीज मतलब आपका जो तसल्ली दो या आपको कोई टिप्स दो, राइट? ओके फाइन, अभी देखिए, ये है अंबर का छोटा सा, क्या है, काजल है, काजल ले लो और इसको ओपन कीजिएगा और अपना मिरर के सामने खड़े हो जाइए। अगर आपको वाइट हेयर्स, इस तरह छोटी छोटी वाइट हेयर्स जो मेरे सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं, राइट, अभी इसको मैं गायब करती हूँ। देखिएगा, इसको इसका टिप से थोड़ा सा इस तरह आप लगा सकते हो। इस तरह अप्लाई करने से आपका पूरा जो ब्लैक हेयर है, वाइट हेयर है छोटी छोटी, वो ब्लैक बन सकती है तुरंत। इसमें आपको कोई टेंशन या ब्यूटी पार्लर कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपना बालों को घर में ही बैठ के टेम्प्रोरी, आप कोई भी फंक्शन जाओ, कहीं भी जाओ, स्कूल जाओ, अपने काम पे जाओ, दफ्तर जाओ, मूवी जाओ, किधर भी जाओ, आप इसको लगा कर छोड़ सकते हैं। अभी देखिए, आपका बाल पूरा काला हो गया, इसको ना थोड़ा सा हाथ से अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिएगा इधर उधर कहीं भी। इस तरह से आप कितनी आसानी से अपना हेयर को कलर कर सकते हैं और हैप्पी रह सकते हैं अपने घर में। अगर ये नहीं है, काजल नहीं है, तो लीजिए आईब्रो पेंसिल। आईब्रो पेंसिल से भी आप तुरंत अपना हेयर को किसी भी जगह पर, अगर वाइट हेयर आई हो तो उसके ऊपर ना आईब्रो पेंसिल से इस तरह आराम से कलर कर सकते हो, ब्लैक बना सकते हो, इसको ब्लैक बना सकते हो और थोड़ा सा हल्का सा अपने हाथ से ना स्प्रेड कर दो उसको, तो हो गई आपका काला काला हेयर। कितनी प्यारी लग रही है, देखिए। आपको कोई टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, अरे कोई आ गया घर में तो मुझे देख रहा है, मेरे हेयर ऐसे हो गया, वैसे हो गया, अरे मैं एज दिख रही हूँ घर पे बैठ के। सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ वेट फॉर नेक्स्ट छोटी सी टिप्स फॉर योर आईब्रोज, हाउ द आईब्रोज विल ग्रो एंड यू कैन टेक आईब्रोज एट होम। बाय बाय, टेक केयर।